Today's topic, terms of spherical mirrors. First one, pole. Pole kya hota hai? The center of the reflecting surface of a spherical mirror is a point called pole. Matlab, ye dekho, ye ek concave mirror hai, theek hai? Concave mirror ke ye jo part hai, uska reflecting part hai, uska jo center hai, use pole kehte hai. Theek hai? It lies on the surface of the mirror. मतलब वो जो mirror है उसके surface पे रहता है. ये mirror, ये एक mirror है, concave mirror, उसके surface पे है. ठीक है? उसे हम pole कहते हैं. And the pole is usually represented by a letter P. P से उसे denote किया जाता है. Second, center of curvature. Center of curvature क्या होता है? The reflecting surface of a spherical mirror forms a part of a sphere. मतलब क्या होता है? कि ये एक मिरर है, मिरर को अगर मैं पूरा कंप्लीट कर दूं, स्पीयर बना दूं, तो उसका जो सेंटर का पार्ट होता है उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं. ठीक है? अब सेकंड पॉइंट देखो, दिस स्पीयर एज अ सेंटर एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर. मैंने आपको जो समझाया इसमें, उसका एक जो सेंटर होता है उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं. और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर सी. ठीक है? एक चीज नोट करनी है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर. मतलब हमने अभी ऊपर पोल में बताया कि पोल उसके सरफेस पे होता है, वैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके सरफेस पे नहीं होता है. दोनों में अलग अलग होता है, मींस दोनों में मतलब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर अलग अलग रहते हैं. देखो, कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके फ्रंट, मतलब ये जो सरफेस है उसके फ्रंट में होता है. सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ इन कॉनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट, व्हाइल द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर लाइज बिहाइंड द मिरर. ठीक है? उसके पीछे होता है. ये उसका रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है कॉन्वेक्स मिरर का, उसके पीछे है. ठीक है? और ये उसका रिफ्लेक्टिंग सर्फेस. रिफ्लेक्टिंग सर्फेस मतलब पता है सबको कि जहां से वो ओपन होता है. ठीक है? दैट इज अ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, उसके फ्रंट में. तो ये याद रखना है आपको, कॉन्केव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रंट में होता है और कॉन्वेक्स मिरर में उसके बिहाइंड होता है. लेट्स सी द अनदर टॉपिक, अनदर पॉइंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर. अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द रेडियस ऑफ अ स्पीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर. मतलब जो डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होता है, मैं आपको यहां पर बताऊं फिर से कि ये जो डिस्टेंस होता है ये पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर. अंडरस्टैंड? द डिस्टेंस पी एंड सी, पी एंड सी मतलब पी पोल, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट किया जाता है? इट इज इजी, आर. ठीक है? फोर्थ पॉइंट, द फोकस, मतलब प्रिंसिपल फोकस. प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? उसको एफ से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एफ. द प्रिंसिपल फोकस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एफ. देखो, प्रिंसिपल फोकस में आप लोग थोड़ा ध्यान देना कि ये मैंने एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया है. ठीक है? कॉनकेव मिरर में यहां से सारी लाइट्स क्या आ रही है? कॉनकेव मिरर के ऊपर आ रही है. ठीक है? पर कॉनकेव मिरर के ऊपर वो लाइट जो आती है उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होती है. क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है. द नंबर ऑफ रेज पैरेलल, ये जो सारी मैंने बताई आपको, ये रही, ये फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, चारों पांच पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है. प्रिंसिपल एक्सिस मतलब ये जो लाइन है उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं. उसके पैरेलल ये सारी की सारी लाइंस कॉनकेव मिरर पे ऊपर आ रही है. उसके बाद वो क्या होती है? सारी की सारी जो लाइन होती है वो रिफ्लेक्ट होती है. रिफ्लेक्ट होती है मतलब एक जगह पे इंटरसेक्ट होती है. ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज, मतलब एक बार मिरर पे जाने के बाद वो जो सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज, मैंने यहां पर लिखा है, ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट. मतलब एक पॉइंट पे वो क्या होती है? सारी की सारी लाइन इंटरसेक्ट होती है. That point is called the principal focus. तो ये जो concave mirror के लिए, तो concave mirror के लिए उसे हम क्या कहेंगे? This point is called the principal focus of concave mirror. Understand? Convex mirror के लिए same to same होता है. वो आपको मैं बाद में later on आपको explain करूंगा. अभी हम लोग देखते हैं focal length. Focal length देखो, focal length में क्या होता है? It's easy for you. The distance between the pole and the principal focus of a spherical mirror is called the focal length. मतलब ये जो है पोल से लेके कैपिटल एफ तक का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं? फोकल लेंथ. हमने पहले क्या बताया? पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं? कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर. बट पोल से लेके
कैपिटल एफ तक का डिस्टेंस जो होता है उसे क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। ओके, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो क्या होता है, टू टाइम्स फोकल लेंथ। टू टाइम्स फोकल लेंथ मतलब अगर आप लोग को पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे है तो उसका हाफ जो होता है वो उसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना हो गया पी से लेके सी तक, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कर दो आप तो आपको क्या मिल जाएगा, फोकस मींस प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस से पोल तक का डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, फोकल लेंथ। ओके, सबको समझ में आ गया। अब मैंने थोड़े क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर किए हैं ये टॉपिक के रिलेटेड, आपको आंसर्स देने हैं। और स्टूडेंट्स सारे लोग मुझे आंसर प्राइवेट में देंगे, सो क्या दूसरे स्टूडेंट्स मुझे भेजे तो मुझे पता चले किसको समझ में आया, ठीक है। तो सारे ये जो आंसर्स है आप लोग मुझे प्राइवेट में मैसेज करोगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेटर पी स्टैंड्स फॉर व्हाट। ये दोनों ऑप्शंस है, आपको मुझे आंसर देना है। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन, लेटर स्मॉल एफ स्टैंड्स फॉर व्हाट एंड द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर इज इक्वल्स टू डैश, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है दोनों। और लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन दिया है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉन्वेक्स मिरर। मतलब आप पेज नंबर 162 टेक्स्ट बुक में अगर रिफर करोगे, लास्ट पैराग्राफ है उसमें, तो मैंने ये जो आपको अभी एक्सप्लेन किया प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉन्केव मिरर वो सिमिलर है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो वो आप खुद मुझे राइट अप करके मुझे सेंड करना तो मुझे पता चलेगा कि आपको पता चल गया है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।